खबर जांजगीर से। शक्ति थाने में पदस्थ एएसआई के बेटे ने अपने पिता का रोग दिखाते हुए एक चाय ठेले वाले के दोस्तों के साथ पिटाई कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज के साथ पीड़ित पहुंचा थाने। प्रकाश साहू ने बताया कि पुलिसकर्मी व बेटे आरोपी जाते जाते यह भी धमकी दे गए कि उसके पिता एएसआई हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम बता दें कि प्रकाश साहू निवासी ग्राम पौरथा का रहने वाला है। शक्ति रेलवे स्टेशन के पास चाय और पानी की दुकान चलाता है बीती रात 21 फरवरी को लगभग 10 बजे नवीन डहरिया नामक लड़का अपने 5-6 दोस्तों के साथ सफेद रंग की कार से दुकान पर आया और पान बनाने को कहा। दुकानदार प्रकाश साहू ने उसे 6 पान, विमल पाउच और एक पैकेट सिगरेट दिया। जब दुकानदार ने सामान के रुपए मांगे, तब नवीन डहरिया ने आवेश में आकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुकान संचालक को गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और लात घूंसे रोड से पिटाई कर दुकान से नकदी रकम निकाल कर भले गए, जबकि जाते समय कहा कि मेरे पिता पुलिस में एएसआई हैं, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रकाश साहू की शिकायत पर थाना प्रभारी रूपक शर्मा ने मामले की गंभीरता से लेते हुए इसकी जानकारी तत्काल पुलिस अधीक्षक को दी गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर तत्काल आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की खोजबीन की गई। शक्ति पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में एसटीओपी मोहम्मद तस्लीम आरिफ ने बताया कि मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए आरोपी नवीन डहरिया, रोहित कुमार बंजारे, दीपक टंडन, राहुल कुमार सोनवानी, मुकेश सोनवानी, पिता भुवन लाल सोनवानी सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कुमार साहू रेलवे स्टेशन के पास पान दुकान स्थित है। कार से 4-5 लड़के आए और सिगरेट मांगे, सिगरेट दिया, पैसा मांगने से पैसा नहीं दिए और उल्टा दारू पीने के पैसा मांगे, नहीं देने पे माँ बहन गाली दिए और मैं पुलिस वाला लड़का हूँ करके दोष दे रहा था और जबरदस्ती मारपीट करने लगे, राड से, डंडे से और क्या बोलते हैं ब्रेन से मारने लगे, केटली मग्गा सब से मारने लगे। हाथ में लगा है चोट, मेरा हाथ क्रेक हो गया है, सर में लगा है और गर्दन में लगा है, आँख एक तरफ से सूज गया है, आंसू निकल रहा है, अभी तक कम नहीं हुआ है। और उसके बाद मैं अपने जा की तरफ थाना दिनांक 21 की रात्रि 10 से 11 के बीच पे प्रार्थी प्रकाश साहू जो कि ग्राम पुरथा का निवासी है, रेलवे स्टेशन पे अपने दुकान पर चाय और पान का दुकान लगाता है। 10 से 11 के बीच में नवीन डहरिया एवं अन्य साथी आकर उसे शराब पीने को लेके पैसा की मांग किए, जिस पर से मना प्रार्थी द्वारा मना करने पर उसके द्वारा मारपीट की गई। रिपोर्ट प्राप्त होते ही अपराध पंजीबद्ध किया गया है और साथ ही 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। नवीन डहरिया जिनके पिताजी सहायक उप निरीक्षक हैं, ये बात सामने आई है। इसमें धारा 293, 506 और 327 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। हाँ, आरोपियों द्वारा प्रयुक्त वाहन कार जब्त की गई है।